इस तरह के जो भी हमारे डीसी मोटर आते हैं, छोटे मोटर बड़े मोटर जो भी आते हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी आपका चलते चलते भी ख़राब हो सकता है या फिर नया ही आपका ख़राब मिल सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये किसी भी प्रकार का मोटर हो, आप उसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप कोई भी आपका मोटर ख़राब फेंके हुए भी होंगे तो उसको आप रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मोटर आपका चाहे छोटे साइज़ का हो चाहे बड़े साइज़ का हो, सबका मेथड एक ही होता है, जो भी आपका डीसी मोटर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटा मोटर है जो कि ये ख़राब है। आइए सबसे पहले इसे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे हम इस पर सप्लाई लगा रहे हैं तो हमारा मोटर बिल्कुल भी यहाँ पे घूम नहीं रहा है, क्योंकि हमने सामने यहाँ टेप लगा दिया, इससे आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अब आइए इसे करना क्या है आपको। देखिए, अगर ये छोटा मोटर है तो इसमें दोनों साइड में आपको पत्ती देखने को मिलेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो आपको चार पत्ती इस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इसको सीधा कर देना है, इस तरह से आप किसी पेचकस की मदद से आप इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, सीधा देखिए हो गया। सीधा होने के बाद अब आप ऊपर से इसका जो प्लास्टिक है ये देखिए इस तरह से आपको हटा लेना है। ठीक है, इस तरह से हटा लेने के बाद अब यहाँ से मैं टेप अभी हटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से बाहर निकाल लेने के बाद एक बार एक देख लीजिएगा आपका मैग्नेट सही तरह से चिपका है या नहीं चिपका है। ठीक है, मैग्नेट सही देख लीजिए। उसके बाद इसके जो क्वाइल यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए इसके अंदर, ये आपको ये देख लेना है कि यहीं जल के काला तो नहीं हो गया। अगर आपका काला हो गया है तो भाई इसको आप नहीं रिपेयर कर पाएंगे, फिर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका काला नहीं हुआ है, इस तरह से आपका क्वाइल सही है, तो इसको आप रिपेयर बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लास्टिक में आपको, इस कैप में, ठीक है, यहाँ पे दो पत्ती आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे एक पत्ती इधर है और एक पत्ती आपका इस साइड में है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा जो पत्ती है एक नीचे बैठा हुआ है और एक हमारा पत्ती जो है कि ये ऊपर हो गया है। अब ऐसा नहीं कि हमारा नीचे ऊपर हुआ तो आपका भी नीचे ऊपर हुआ होगा, आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये पत्ती आपका जल गया हो। ठीक है, तो अगर जल गया है तो यहाँ पे एक प्लेट, अगर कुछ इस तरह का पत्ती अगर आपको जोड़ने लायक यहाँ पे है तो यहाँ से जोड़ के और इतना बड़ा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो आपको क्या करना है, इसको भी दबा के उसके साइज में एकदम कर लेना है। जैसे इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर मैं चिमटी से इसको दबा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसको दबा के और सीधा वहाँ पर कर लेंगे, जिससे हमारा दोनों एक साइड में एक सीधे मतलब सीधे में हो जाए। देखिए इस तरह से अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है दोनों पत्ती एकदम बराबर साइज में हो गया। देखिए इस तरह से दोनों वाला, ठीक है, दोनों पत्ती बराबर साइज में हो गया। अब आपको यहाँ एक गलती नहीं करनी है कि ये बैठाते में आपको अगर गलती कर देते हैं तो आपका ये पत्ती भी ख़राब हो जाएगा। इसे कैसे बैठाना ये हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस आर्मेचर को आपको लेना है और इन दोनों पत्तियों के बीच में आपको इसको डालना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ इस तरह से डाल के पूरा यहाँ पे आप यहाँ बैठा लीजिए और देख लीजिए आपकी जो पत्ती है यहाँ, ये कार्बन आपका इस पर रगड़ रहा है या नहीं रगड़ रहा है। ठीक है, इसके जो यहाँ पे रगड़ रहा है नहीं रगड़, सही से अगर रगड़ता है तभी आपका मोटर चलेगा। अब इतना कर लेने के बाद अब इसमें आप बैठाइए, लेकिन बैठाते वक्त यहाँ पर हाथ लगाए रखिए, क्योंकि अगर नहीं हाथ लगाए रखेंगे तो यहाँ जैसे ही डालेंगे मैग्नेट इसको खींच लेगा और इसमें से आपके बूथ से निकल के और फिर पत्ती आपका इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाथ लगाए रखिए और जैसे यहाँ चला जाता है उसके बाद हाथ धीरे धीरे आप बाहर करिए, जैसे यहाँ मतलब इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे उसी हिसाब से हाथ को आपको बाहर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको फिट कर लेना है। इधर साइड से नहीं बैठता तो आप थोड़ा सा घुमा लीजिए, जिस साइड से बैठता वहाँ पर आप इसको देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब लगा लेने के बाद इसकी जो यहाँ जो हमने उठाया था इस लोहे को, इसको हम फिर यहाँ पर चिमटी से पेचकस से, जिससे आपका दबने लायक हो भाई, चोट न लगे, बस यही आपको देखना है। क्योंकि आप चोट लग जाएगा तो 10 रुपये 15 रुपये के मोटर के लिए चोट के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमने बैठा दिया है, एक बार इसको हम हाथ से डुला के देख लेंगे। अब आइए इसमें एक बार टेप लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा मोटर जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है। तो यहाँ देखिए टेप मैं फिर से यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा मोटर अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैंने सप्लाई देखिए अपने बैटरी से इस तरह से लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा मोटर बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था वो मोटर हमारा बिल्कुल ओके हो गया, यानी फुल स्पीड में यहाँ पे चल रहा है। इसकी साउंड भी शायद आपको माइक से सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों आइए एक बार पत्ती लगा के भी देख लेते हैं कि हमारा पत्ती लगने के बाद ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने इस पर इसका ब्लेड भी लगा दिया और ब्लेड लगाने के बाद एक बार हम इसको, दोस्तों ये उल्टा है, एक बार सीधा लगाते हैं तो हवा भी एक बार खा लेते हैं। हाँ क्या हवा है, तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए हमारा मोटर जो ख़राब था ये बन गया। तो इस तरह से आपका जो भी छोटा हो या बड़ा मोटर हो आप उसको मतलब ये खोल के भाई सावधानी से खोलेंगे तो आप उसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। अगर आर्मेचर जल गया है तभी आपका मोटर रिपेयर नहीं होगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।